आपसी सौहार्द के प्रतीक हजरत सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियाँ का मेला बहरामपुर गांधी मैदान के आस्ताने पर शुरू हो चुका है। रविवार को अकीदत के साथ अकीदतमंद कनूरी और पलंग पीढ़ी के साथ नाचते गाते आस्ताने पर पहुंचे और खुशहाल जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी। अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए आस्ताने पर व्यापक तैयारियाँ कर ली गई हैं। मान्यता है कि बाले मियाँ बाबा के आस्ताने पर सच्चे दिल से मांगी गई मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं, इसलिए बाबा के आस्ताने पर सभी धर्मों के लोग हज़ारों की संख्या में पहुँचते हैं। गाजी मियाँ मेले का ज़िले में ऐतिहासिक महत्व है। मेले में हर वर्ष पूर्वांचल सहित दूर दराज के इलाकों से हज़ारों श्रद्धालु बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाने, मुर्गे की कुर्बानी और कनूरी कराने आते हैं। एक महीने चलने वाले इस मेले में बड़े झूले, सर्कस, आर्केस्ट्रा, बर्तन आदि की दुकानों के अलावा स्थानीय मिष्ठान, खाजा, हलवा, पापड़ी मेले की खास पहचान है। भीषण गर्मी के चलते भले ही बड़े बुजुर्ग अपने समय से यहाँ ना पहुँच सकें, लेकिन बच्चों में इस मेले के प्रति दीवानगी है। शाम से ही बच्चों का झुंड मेले में पहुंचने लगा था। अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए नगर निगम द्वारा मेला में जगह जगह पेयजल, प्रकाश, प्रसादन के इंतजाम किए गए हैं। कैंप के माध्यम से खोए बच्चों की उचित व्यवस्था की गई है। मेले में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पॉकेटमारों से सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए अकीदतमंदों ने और बाले मियाँ दरगाह के मुतवल्ली इस्लाम हाशमी ने कहा, हमारा नाम ज़िया आलम ख़ान। ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियाँ का मेला है। यहाँ सभी धर्म के लोग बड़े ही उत्साह के साथ और बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतों को मानते हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदू लोग जिनकी यहाँ आस्था है, जिनकी यहाँ मान्यता है, वो अपनी मन्नतों को यहाँ रखते हैं और सरकार के यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती हैं। ये मेला 26 मई से लेकर 26 जून तक चलेगा। गौरव तिवारी, यहाँ पे हजारों वर्षों से हिंदू मुसलमान सब भाई एक होके इस त्यौहार को मनाते हैं। बाले मियाँ का
जो लगन का होता है और शादी की तैयारी होती है, इसको दूर दूर से लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के लोग सब मिल के भाईचारे के साथ यहाँ पे इसका तैयारी करते हैं, मेले को मेले में घूमते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम हाशिम है, दरगाह बाले मियाँ का मुतवल्ली हूँ। अब मेरा जन्म भी 3/3/57 को इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में व्यवस्था सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त हमेशा की जाती है। चूँकि ये पूर्वांचल का ऐतिहासिक विराट मेला है, इस मेले में लगभग 7-8 लाख पब्लिक का जो है टर्नओवर है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का, कौमी एकजहती का जीता जागता प्रमाण है, जो अपनी अजमतों का सबूत हिंदुस्तान की सरजमीन के सुबह उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से अपनी अजमतों का सबूत आज भी दे रहा है और आती दुनिया तक देता रहेगा। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियाँ उत्तर भारत का दौरा करते हुए गोरखपुर में एक रात क़याम किया था, जहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की थी, मस्जिद बनी, और जहाँ पर आपने विश्राम किया था वहाँ आपकी समाधि बनाई गई। इस मेले में हर जात व हर कौम के लोग बिना भेदभाव शिरकत करते हैं। यह मेला 1033 ईस्वी से प्राचीन काल से लगता चला रहा है, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक। मेले में शिरकत के लिए सरकार द्वारा लोकल हॉलीडे होती है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर के एक साथ कदम से कदम, सीना से सीना मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी एकता का परिचय देते हैं और सकुशल मेला संपन्न कराते हैं।